मुल्तान में जारी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। छुट्टी का दिन होने की वजह से शायकीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। तफसील बताएंगे मुल्तान स्टेडियम के बाहर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। किसी भी टेस्ट का तीसरा दिन बड़ा अहम होता है और इस दिन अमूमन ये डिसाइड होता है कि मैच ड्रॉ की जानिब जा रहा है या नतीजे की जानिब जा रहा है, लेकिन मुल्तान टेस्ट तो ऐसा लगता है कि तीसरे दिन ही कोई नतीजा सामने ना आ जाए, क्योंकि दो दिन के अंदर 25 विकटें गिर गई हैं और पाकिस्तान आज यही कोशिश करेगा कि इंग्लैंड की जल्द से जल्द विकटें लें और कम से कम उसको टारगेट मिले। नन्ना बच्चा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, कितनी जल्दी आ गए? अभी तो काफ़ी खासी टाइम है यहाँ पर, इसलिए आज हम जल्दी उठ गए थे, सुबह तैयार हो गए थे, इसलिए हम खाना वगैरह खा के आ गए थे और अपना साथ भी लेके आए, और हमने कहा था आज यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे और इसी के साथ यहाँ पे अभी थोड़ी देर तक टीम आ जाएगी, फिर हम उन्हें देखेंगे, फिर हम अंदर जाके मैच स्टार्ट होएगा, फिर हम देखेंगे उन्हें। आज मैच का फैसला करा रहे हो या कल कल भी हो? इंशाल्लाह अगर आज मैच जीत गया पाकिस्तान तो कल नहीं होएगा। आज तो छुट्टी का दिन भी है तो पिछले दो दिन की निस्बत जो है वो आज ज़्यादा शायकीन की आमद मुतवक्को की जा रही है, और अगर आज फैसला नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा कल तक जो है मैच का फैसला हो जाएगा। कल चौथा दिन है, पांचवें रोज़ तक ये मैच जाना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है। जी